हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेके आ चुकी हूँ वापस से एक न्यू रेसिपी और एक न्यू तरीके से मैं आपको बताऊंगी कि अचार कैसे बनाया जाता है। इस बार मैं सिर्फ मिर्ची का अचार बना रही हूँ, तो बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पर आप लोग वीडियो पूरा नहीं देखते हैं और बीच से स्किप भी कर देते हैं कभी कभी, तो वीडियो को पूरा देखिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करके ले लीजिए। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज की रेसिपी। तो चलिए, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ कि मिर्ची कैसे काटते हैं। तो मिर्ची मैं यहाँ पे ऐसे काट रही हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं इसको बीच से काट रही हूँ। क्योंकि बीच से इसलिए काट रहे हैं क्योंकि क्या कहते हैं, जो मसाला है वो मिर्ची के अंदर भी पूरा चला जाएगा तो जो ज़्यादा अच्छा लगता है। और अगर आपको चाहे तो आप दूसरे तरीके से भी काट सकते हैं, पर यह तरीका जो है अचार बनाने के लिए बहुत अच्छा है। तो आप इसी तरीके से मिर्ची को काट के ले लीजिएगा। तो मैं भी सारे जो मिर्ची को है वो काट के ले लेती हूँ एक 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 करके। तो ये देखिए, अब थोड़े से नींबू भी थे मेरे पास, तो मैंने सोचा कि नींबू भी इसके अंदर डाल देते हैं। तो नींबू को मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे कट किया जाता है। पहले मैंने इसको दो हिस्सों में कट करने के बाद मैं इसे चार हिस्सों में मैंने इसको कट कर लिया है वापस से, ये देखिए। तो मैं आपको वापस से दिखा देती हूँ। पहले मैंने इसको दो हिस्सों में कट किया, उन दो हिस्सों को मैंने चार हिस्सों में कट करके ले लिया है, ये देखिए। आप चाहे तो इसमें नींबू भी मिक्स कर सकते हैं, और नींबू अगर आपको पसंद नहीं भी है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं और सिर्फ मिर्ची का यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए, मिर्ची और नींबू को काट के ले लिया है। अब मैं नींबू और मिर्ची को मिक्स करके ले लेती हूँ। एक बड़े से कंटेनर होना चाहिए जिसमें जो पूरा वो मिक्स करना आना चाहिए। कढ़ाई मैंने रख दी है गैस के ऊपर, कढ़ाई जैसे गर्म हो जाए इसमें हम डाल देंगे एक चम्मच जीरा। इसके बाद में इसमें डालेंगे सौंफ, करीब दो से तीन चम्मच डाल दिया है मैंने इसके अंदर। अब मैं इसके अंदर डाल देती हूँ मेथी दाना। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करके ले लेते हैं, ड्राई रोस्ट करना है इसको। अब मैं इसके अंदर एक चम्मच राई डाल देती हूँ, अच्छे से मिक्स कर लेंगे, सिर्फ ड्राई रोस्ट करना है हल्का सा। तो अब हमने इसको अच्छे से ड्राई रोस्ट करके ले लिया है। गैस को यहाँ पर अब हम बंद कर लेते हैं और इसको एक मिक्सी में ट्रांसफ़र करके ले लेते हैं, और इसको बिल्कुल दरदरा पीसना है। हम यहाँ पे मिक्सी लगाने से पहले वापस से कढ़ाई में हम सरसों का तेल गर्म होने के लिए रख देते हैं। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने मिर्ची और थोड़ा सा ही नींबू लिया है मैंने। अब मैं इसके अंदर एक कटोरी नमक डाल देती हूँ। अचार में नमक बहुत ज़्यादा लगता है तो नमक ज़्यादा डालिएगा इसमें। मैंने इसमें लगभग एक बड़ी कटोरी डाल ली है। अब मैं उसी कटोरी से एक कटोरी हल्दी डाल देती हूँ। एक कटोरी का ही नाप लेके करिए तो समझ में आएगा। अब मैं उसी कटोरी से थोड़ा सा पीला मोम डाल देती हूँ। कटोरी का आधा इसमें मैंने पीला मोम डाल दिया है। तो अब ये देखिए फ्रेंड्स, साइड में हमारा सरसों का तेल भी गर्म हो चुका है। ये देखिए, आपको दिख रहा होगा कि कैसे इसमें जो है वाफ निकल रही है। तो इसको अच्छे से बहुत गर्म करके ले लेना है। तो हमारे यहाँ पे गर्म हो चुका है, अब हम इसको गैस को बंद करके ले लेते हैं। अब मैं आधी कटोरी इसके अंदर डाल देती हूँ कलौंजी। कलौंजी ऑप्शनल है। तो अब मैं इसके अंदर जो हमने खड़े मसाले सब पीसे थे उसको भी मैं इसमें डाल दूंगी। हल्का सा मैंने इसे दरदरा ही पीसा है। थोड़ा सा अब मैं इसके अंदर बड़ी शिफ्ट डाल दूंगी। अब मैं इसके अंदर एक बड़ी कटोरी इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर डाल देती हूँ। तो ये मैंने डाल दी है, और ये डालने से कलौंजी और ये पीला मोम डालने से जो है अचार जो है बहुत अच्छा लगता है, और इसमें जो हमने लाल मिर्च डाला है उससे भी बहुत अच्छा लगता है, कलर भी बहुत अच्छा आता है। तो चलिए, सब हमने चीज़ें डाल के ले लिए हैं, सारे मसाले हमने डाल लिए हैं। अब लास्ट में इसको हम मिक्स करके ले लेते हैं। अच्छे से मिक्स करेंगे, जो भी सारा जो मसाला है वो मिर्ची के अंदर पूरा लग जाना चाहिए। ऐसे इसको मिक्स करके ले लेते हैं। तो ये देखिए, मैं इसको हाथों से अच्छे से मिक्स करके ले लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अच्छे से मैंने इसको मिक्स करके ले लिया है, सारा जो मसाला जो है वो डाल दिया है। तेल हमारा ठंडा हो चुका है। अब मैं इसके अंदर थोड़ा हींग डाल देती हूँ।
बिल्कुल चुटकी भर इसमें मैंने हींग डाल दिया है। अब इसको कर लेते हैं अच्छे से मिक्स। अब जो हमने अचार रेडी किया था बनाकर, तेल में इसके अंदर डाल देती हूँ चारों तरफ से अच्छे से। देखिए तेल अभी भी थोड़ा सा गर्म है, तो इसलिए मैं इसको चम्मच से मिक्स कर रही हूँ। अगर आपका तेल पूरी तरह से ठंडा है तो हाथों से मिक्स करके इसको अच्छे से हम कर सकते हैं। तो चलिए अब मैंने इसमें तेल डाल दिया है, इसको अच्छे से मिक्स करके ले लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा अचार बनके रेडी हो चुका है। बहुत ही आसान था इसको बनाना और कोई भी इसको बना लेगा आराम से। बहुत ही टेस्टी है, आप इसको एक बार घर पे ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, सभी को बहुत पसंद आएगा। और इसको बनाने के बाद में आप स्टोर इसको या फिर किसी प्लास्टिक के बर्तन में कर सकते हैं या तो कांच के बर्तन में कर सकते हैं। कांच के बर्तन में करने से ज़्यादा दिन तक टिकता है ये, करीब 2 से 3 साल तक। और अगर इसको स्टील के बर्तन में रखेंगे तो ये ख़राब हो जाएगा फ्रेंड्स। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ले लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं न्यू रेसिपी के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।